हेलो एवरीवन, वेलकम टू निहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरा बालकनी टूर। एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोगों ने अपने पूरे घर का रेनोवेशन कराया था, तो जिसमें से मैंने बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जिनको मतलब जिनका टूर नहीं कराया है। हालाँकि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ना मेरी बालकनी का डेडिकेटेड टूर चाहिए था कि मैंने क्या क्या बालकनी में चेंजेस कराए हैं, क्या क्या रिनोवेट हुआ है। और इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्चुअली बालकनी में ना हमने एक बहुत बड़ा स्टोरेज निकलवाया था, जिसका जिक्र मैंने एक दो बार अपने व्लॉग्स में किया है। तो कुछ लोगों ने बोला है कि उनको अपनी बालकनी में ऐसे कंस्ट्रक्शन कराना है, तो आप वो एक बार स्टोरेज दिखा दें और आइडिया दे दें कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। तो इसीलिए जिन लोगों को एक वेस्ट स्पेस में इतना बड़ा स्टोरेज निकलवाना है, तो वो मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, तो मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस कराए हैं। हालांकि मेरा जो मन था वो ये था कि मेरे को बालकनी में भी कुछ और चेंजेस करने हैं, कुछ मेकओवर्स करने हैं, मैं उसी के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन वो शायद अभी कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर उतना निकलना नहीं हो रहा है। तो सोचा कि जैसा भी है अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा जज मत करिएगा। बहुत ही सिंपल सी है हमारी बालकनी, बट मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मेरी जो बालकनी है उसमें क्या क्या काम हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि हमारा जो घर है वो ऑन द रोड है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का शोर आता है, इसीलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरे पास एक्चुअली हमारी बालकनी के बिफोर वाली पिक्चर्स नहीं हैं, लेकिन मैं अपने नेबर्स का दूर से आपको घर दिखाऊंगी कि हमारी बालकनी पहले कैसे लगती थी और अभी कैसे लगती है, तो आप वहां से मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस कराए हैं। मेरे पास ना हमारी बालकनी की ओल्ड पिक्चर्स नहीं हैं कि हमारी बालकनी बिफोर कैसे लगती थी, लेकिन मैं जो हमारे नेबर्स हैं ना और जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में घर हैं उनकी बालकनी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, तो आप वहाँ से कंपेयर करिएगा कि अभी हमारी बालकनी कैसी लगती है और मतलब कैसे चेंजेस कराए हैं। हूबहू ऐसे दिखाई देती थी हमारी बालकनी पहले। साइड व्यू हमारी बालकनी का ऐसा था और फ्रंट व्यू भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि दूर से हमारी बालकनी कैसे लगती थी। हमारा टॉप फ्लोर है, तो टॉप फ्लोर की यहाँ पे जो बालकनीज़ हैं वो ओपन हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये टीन शेड डलवाई है, क्योंकि पुणे में जो बारिश होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से सारी वॉल्स वगैरह सब मतलब ख़राब हो जाती थी और कपड़े वगैरह भी नहीं सूखते थे। और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है अपना कपड़े सुखाने वाला स्टैंड, और जैसे बेडशीट्स वगैरह सब ऊपर ही डलती हैं, और अनवित की लैडर भी यहाँ पे हम लोगों ने लगाई है। और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे मतलब एक स्विंग भी लगाऊं। यहाँ पे मैंने हुक्स में लगाई हैं अपनी हैंगिंग बास्केट और साथ में लगाई है सिरामिक की विंड चाइम। तो सिरामिक की लेके फ़ायदा ये रहा कि जब हवा चलती है ना बहुत अच्छी आवाज़ आती है, तो मेरा और भी प्लान है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे हुक्स हैं कि इसमें अपने कुछ DIY या फिर कुछ ऐसे सिरामिक का ही सामान लूँ जो मैं इसमें हैंग कर सकूँ। और यहाँ पर कॉर्नर में जो ये मनी प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, बेल भी ऊपर जा रही है, तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि ये जो बेल है ना वो पूरी टीन शेड को कवर कर दे, तो जिससे इसका जो लुक है ना टीन शेड का और बालकनी का और भी एनहांस होगा। तो ऐसा मतलब प्लान है, और बेल टचवुड अच्छा ग्रो कर रही है, तो काफ़ी ऊपर मतलब ये बेल चले गई है। और सामने ये जो रेलिंग है ना यहाँ पे हमने लगवाई थी ये प्लांट बास्केट, इसमें ना बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ऐसे रिंग्स भी लगवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना प्लांट बास्केट लगाई थी क्योंकि इससे जो लुक है ना वो बहुत अच्छा एनहांस होता है और काफ़ी अच्छा मतलब सेफ्टी के लिए भी ठीक है, इसमें प्लांट्स नीचे गिरेंगे भी नहीं। और इसमें मेरा प्लान है कि मैं छोटी छोटी बास्केट रखूँ और उसमें अपना जो छोटा सा मिनी किचन गार्डन है ना वो मैं बनाऊँ, ऐसा मेरा मतलब प्लान है, क्योंकि मुझे किचन गार्डन बनाने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है और हमारे यहाँ पे और कोई स्पेस भी नहीं है, तो ये सोच के मैंने ये वाली जो प्लांट बास्केट है ना वो बनवाई थी। और फ्रंट साइड में अगर ऐसे प्लांट बास्केट रहती है ना तो बालकनी का जो लुक है ना वो बहुत अच्छा लगता है, जब मैं नीचे से देखती हूँ ना तो बहुत सुंदर मतलब बालकनी आती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बालकनी को कवर कराया टाइल से,
तो यहाँ पे जब बारिश का पानी आता है ना, तो पूरी जो वॉल्स होती हैं उन पे काई जम जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और टाइल्स का जो ऑप्शन है ना, वो बहुत अच्छा है, उससे बालकनी बहुत सुंदर भी दिखती है और काफ़ी प्यारा लुक आता है। साइड में हम लोगों ने लगवाया है ग्रेनाइट, और यहाँ पे जहाँ पे आप टॉप पे देख रहे हैं, मैंने सब प्लांट्स रखे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे मतलब टिल्टेड था, तो इसको प्लेन सरफेस बनाया है, जिसमें फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना, सब बहुत अच्छे से प्लेस हो गए हैं और काफ़ी अच्छा ये स्पेस है। और यहाँ पे ये ग्रेनाइट मैंने लगवाया, जो कि दूर से काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ पे मैंने रखे हैं प्लांटर स्टैंड्स, जिसपे मेरे प्लांटर्स रखे हुए हैं, करी पत्ता है और बहुत सारे फ्लावर्स वाले पौधे हैं। एक्चुअली मुझे प्लांट्स की ना उतनी ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको प्लांट्स के बारे में नहीं बता पाऊँगी कि कौन कौन से मेरे पास प्लांट्स हैं। तो बस मुझे जो भी अच्छा लगता है नर्सरी में, मैं लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आर्टिफिशियल ग्रास लगाएंगे। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है लगाने का, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारे घर पर ना सिर्फ एक ही बालकनी है, जिसमें हम लोगों के सब कपड़े वगैरह सूखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ में रहती है। और मैंने सुना है कि उसमें आर्टिफिशियल ग्रास वाले जो हम लगाते हैं ना, उनपे क्लीनिंग करने में मतलब आसानी नहीं होती है, काफ़ी टफ रहता है। शौक शौक में लगा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने लगाई है तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि कितना फ़ायदेमंद है और मेंटेनेंस कैसी है उसकी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है मैं ये मतलब आर्टिफिशियल ग्रास लगाने का यहाँ पे बालकनी में। और ये है मेरा DIY फाउंटेन, जो कि मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने बनाया है, लेकिन आजकल बारिश काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, लगाती नहीं हूँ। लेकिन ये अनवित के जो एनिमल्स हैं ना, उनका प्लेस बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने वेस्ट स्पेस में इतना बड़ा स्टोरेज कैसे निकलवाया। ये आप सामने वाला घर देख रहे हैं ना, तो हमारी बालकनी भी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये जो आप स्लांटिंग में देख रहे हैं ना डोर के ऊपर, तो बेसिकली यही स्पेस हम लोगों ने यूज़ किया है। और ये एक वेस्ट स्पेस था, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पूरा जो ये ऐसे स्लांटिंग वाला पार्ट था ना, इसको ब्रेक कराया, और बॉटम वाला जो सरफेस है उसको प्लेन कराने के बाद इसमें मतलब ऐसे बड़ी बड़ी जो स्टोरेज है ना, वो निकल गई हैं। और इसमें ये PVC प्लाई लगी है, जो कि मतलब बारिश वगैरह में काफ़ी हेल्प करेगी, मतलब बारिश वगैरह से ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे काफ़ी बड़ा स्टोरेज है ये, और हमारे घर का मतलब काफ़ी सारा सामान इसमें समा गया है। और एक्चुअली अगर हम लोग उस स्लांटिंग जो स्पेस था ना, उसको ऐसे छोड़ देते, वो उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने मतलब ऐसे किया था, लेकिन फिर बाद में डिसीज़न लिया कि इसको ऐसे बनवा लेते हैं और फ़ायदा रहा। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, अगर आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसा स्पेस है ना, तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे फ्लैट्स में रहते हैं, यहाँ कोई स्टोर रूम तो होते नहीं है और घर में काफ़ी सारा सामान होता ही है, तो उसके लिए ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हम लोगों के लिए रहा। तो बस यही था मेरा सिंपल सा मेरी बालकनी का टूर, जो कि मैंने काम कराया है। आई होप कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा, और जो भी आगे मैं चेंजेस करूँगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जितना भी हो पाएगा, क्योंकि मेरा मन बहुत है, लेकिन चूँकि हमारे पास एक ही बालकनी है और हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं डेकोरेट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके पास और भी बहुत कुछ आइडियाज़ हैं ना इसको डेकोरेट करने के लिए, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि मैं अपनी बालकनी में क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या इनोवेटिव आइडिया हैं, क्योंकि मुझे प्लांट्स और ग्रीनरी से डेकोरेट करना ना बहुत अच्छा लगता है। और सिटिंग प्लेस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कहाँ पे है, तो एक्चुअली यहाँ पे ना हम लोगों ने ऐसा कोई डेडिकेटेड सिटिंग प्लेस नहीं बनाया है, यहाँ पर हम लोग अपनी चेयर्स वगैरह ले आते हैं जब हम लोगों को बैठना होता है और ऐसे चाय वगैरह पी लेते हैं, तो इवनिंग का टाइम और मॉर्निंग का टाइम यहीं पर हम लोगों का बीतता है, जैसे कि आपने मेरे मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन कोई ऐसा डेडिकेटेड मैंने सिटिंग प्लेस नहीं बनाया है यहाँ पे, अगर आगे कभी रहा तो सोचूंगी बनाने का। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा कुछ हेल्प मिला होगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अगर पसंद आए ना तो लाइक किए बिना जाना मत, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिएगा, मेरी जो इंस्टाग्राम आइडिया है वो नेहास क्रिएटिविटी है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों के साथ, और तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।